और मैं बता दें आपको कि दिल्ली के पास नोएडा के मारवा मीडिया संस्थान में रैगिंग का मामला सामने आया, जिसमें करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले एनिमेशन का कोर्स करने वाले एक छात्र के साथ रैगिंग की गई। पीड़ित छात्र इस घटना के बाद से डिप्रेशन में है और वहीं संस्थान इस पूरे मामले को दबाने में लगा है। नोएडा पुलिस ने तीनों आरोपी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। छात्र अब वापस अपने घर करनाल आ गया है। पीड़ित के परिवार ने बताया कि संस्थान में सीनियर छात्रों की ओर से न केवल उसके साथ बदसुलूकी की गई बल्कि उसका MMS भी बना दिया गया। आपको बता दें कि एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के हॉस्टल में छात्रों ने पीड़ित छात्र संघ हॉस्टल में मारपीट तक की और उसका अश्लील MMS तक बना दिया और उसके साथ कुकर्म का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि MMS से ब्लैकमेल करके 5,000 रुपये की मांग की जा रही थी। जी हाँ, तो मारवा मीडिया संस्थान में करनाल का रहने वाला छात्र जो है रैगिंग का शिकार हुआ। तीन आरोपी छात्रों ने बदसलूकी की इस छात्र के साथ और उसका फिर अश्लील SMS बनाया है। रैगिंग के बाद बता दें आपको ये जो छात्र है करनाल का रहने वाला वो डिप्रेशन में है और इस रैगिंग के बाद से ही ये छात्र करनाल अपने घर वापस लौटा है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया है। जी हाँ, तीन छात्र हैं इनके खिलाफ मामला अभी दर्ज हुआ है। नोएडा के मारवा फिल्म इंस्टीट्यूट का संस्थान का ये मामला है। संस्थान जो है फिलहाल इस रैगिंग के मामले को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से रैगिंग करके तीन सीनियर छात्रों ने इस जूनियर छात्र का जो है MMS बनाया, उसके साथ बदसलूकी की और मारपीट भी की। फिलहाल जो इस संस्थान है पूरे मामले को दबा रहा है। संवाददाता आर.आर. शैली हमारे साथ फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। आर.आर. शैली, आपसे जानकारी चाहेंगे, फिलहाल इस मामले में अभी तक ताजा अपडेट क्या है? डिप्रेशन में आया हुआ है ये छात्र करनाल का रहने वाला, अभी इस वक्त घर में है, क्या कुछ और जानकारी है? जी हाँ, हमारी ये जो पीड़ित छात्र है इसके पिता से बात हुई है तो उसने ये कहा कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा सदमे में है और मैं अब इस इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को आगे पढ़ाना नहीं चाहता है। हालांकि नोएडा पुलिस ने कुछ लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ सरगर्मी से तलाश जारी है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि भी हाई कोर्ट की रूलिंग के बावजूद भी कहीं भी रैगिंग रुकने का अभी तक नाम नहीं ले रही। जी, हाई कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अब तक रैगिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। आर.आर. शैली, जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पर कि तीनों जो सीनियर छात्र हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है, आखिर कहाँ ये गए हैं, कहाँ गायब हो गए? जी फिलहाल तो उनको अपनी गिरफ्तारी का डर है और अपने हाइड आउट से कहीं ना कहीं छिपने का कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कहाँ पुलिस कहाँ तक उनको छोड़ेगी ये तो दूसरा विषय है। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने हरकत की है वो शायद आप अपने MMS पे या जो उन्होंने वहाँ अपलोड कर दिया है उसको बदनाम करने की खातिर, कभी उससे पैसे मांगते थे, कभी उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे, जिसको लेकर के छात्र काफी आहत था। जी, कितने समय से आर.आर. शैली जो है सीनियर छात्र इस छात्र के साथ इस तरह की बदसलूकी करते थे, पैसे की डिमांड करते थे? जी, पैसे की डिमांड भी करते थे और उनको मारते पीटते भी थे और इस कदर मारते थे जैसे थर्ड डिग्री की तरह कोई मारता है। बिल्कुल आर.आर. शैली, आप बने रही हमारे साथ। पीड़ित छात्र के पिता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। आपका स्वागत है जनता टीवी में, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी, आपसे ही जानना चाहेंगे फिलहाल आपके बेटे की हालत कैसी है, क्या अभी भी डिप्रेशन में है इस रैगिंग के बाद से? वो डिप्रेशन में ये जी अभी में हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत में है जी। आपसे बातचीत कर पा रहा है ये बेटा बेटा आपका, और क्या कुछ बता पा रहा है अपने साथ हुई आप बीती को लेकर? हाँ जी, बता पा रहा जी, बोल सकता है, थोड़ा बोल लेता है, रुक रुक कर जी। अभी तक क्या कुछ बातें जो है आपको जो है आपके बेटे की तरफ से पता चली है उसके साथ हुई बदसलूकी को देखते हुए, मारपीट को देखते हुए? वो कैसेट दे रखी जी हमने सारा कुछ, उसमें देखो ये कैसेट में बाकी बहुत बुरी तरह से मारा जी, 400-500 थप्पड़ मारे हैं इसके, लोहे की रॉड मारी है, इससे पैसे की फिरौती मांगी है और कॉलेज की तरफ से कोई भी अब तक फोन भी नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करनाल से हम 15 आदमी लेकर के पुलिस में कुछ सारों तरह 20 सेक्टर गए, फिर हम 39 सेक्टर गए, वहां रात को हम 2:30 बजे आए, 15-20 आदमी
जी आप बन रही हमारे साथ, पीड़ित छात्र खुद हमारे साथ जो है फोन लाइन पर बना हुआ है। आपका स्वागत जनता टीवी में। आप बताइए किस तरह से जो है आपके जो तमाम ये सीनियर छात्र हैं उसने उन्होंने उन सबने मिलकर जो है आपके साथ इस तरह बदसलूकी की, मारपीट की, एमएमएस बनाया आपका। सर ये मेरे से मैं जैसे मेंटली स्ट्रेस हूँ सर, मैं ऐसे ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा सर। और सर मैं इतना कहता हूँ कि तेरे साथ सर जैसे इन्होंने पहले जोर जबरदस्ती की गई है, मेरे साथ रेप करने की कोशिश भी की गई है, प्लस ये पैसे 15-20 दिन से मेरे से छीनते रहते हैं सर जी। और इन्होंने मुझे कमरे में लेके जाके कम से कम 400-500 थप्पड़ मारे हैं, आधे घंटे तक मारते गए हैं सर, मारते गए, कभी चप्पल, कभी थप्पड़, कभी रोड से सर, रोड मेरी किडनी पे भी लगी थी बट। और सर उसके बाद इन्होंने धमकी दी है कि जान से मरवाने के लिए। और सर बाहर गेट के हमारे कॉलेज के गेट के बाहर 5-6 गुंडे बुलाए गए थे मुझे जान से मारने के लिए सर। और अगर मैं इतने कोप में हूँ कि मैं सर अपने खुद के शहर करनाल हरियाणा में मैं बाहर जाने से डर रहा हूँ सर। वाकई आप सदमे में, लेकिन आपसे जानकारी चाहेंगे आपके ये तीन जो सीनियर छात्र हैं आखिरकार कौन है, इनके क्या नाम है? सर एक का नाम है जिसने जैसे वीडियो भी आपने देखी होगी कि सर एक जो नीली शर्ट वाला था उसका नाम है आकर्ष जायसवाल जो गोरखपुर यूपी का है सर जी। और दूसरा लड़का जो पीछे ब्लैक शर्ट में खड़ा था सर उसका नाम है आयुष गाबा और वो सर पंजाब से है, जलंधर से सर। संस्थान के लोगों तक जो है आपने इस पूरी बदसलूकी को पहुंचाया, उनका क्या कुछ कहना रहा, किस तरह का रवैया देखने को मिला इस पूरी घटना के बाद? सर एक बार ये दोबारा बताएंगे सर मेरे को क्या कहा है आपने? जी इस संस्थान जिससे आप जुड़े हुए हैं वहां तक जो है आपने ये बात पहुंचाई, क्योंकि संस्थान जो है इस मामले को तूल नहीं दे रहा है, ज्यादा महत्व नहीं दे रहा, दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वहां मौजूद तमाम लोगों से बातचीत आपकी हुई होगी, आपने बताया होगा इस बारे में, क्या कुछ उनका कहना रहा? बिल्कुल सर वो सारे बात दबाने की कोशिश कर रहे हैं सर, सारे बात दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को एज अ संदीप मारवा का भी फोन आया है कि जी जी मुझको ये बात सॉर्ट आउट कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं, कंप्लेन भी करते हैं। तो सर ऐसा ही बात है, अगर सर हम आज कदम ना उठाते तो कल चल के ये एग्जाम्पल ना कर सकते सर कि और भी सर बच्चे हैं, लड़कियां होती हैं सर, लड़कियों के साथ कितना। बिल्कुल आप ये बताइए फिलहाल आपने पुलिस में अपना बयान दर्ज कराया, पुलिस अधिकारियों का किस तरह से आपको फिलहाल अभी तक कोई सहयोग मिलता दिख रहा है, क्या कुछ उनका कहना रहा? सर पुलिस का अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला है मेरे को। पुलिस ने जैसे हमने रिपोर्ट करवाई थी डी सेक्टर के नोएडा के थाने में जो पिंक सिटी के अंडर आता है जी, उन्होंने सर घुमा फिरा के हमसे थोड़ा बहुत परेशान किया है और उसके बाद हमको 39 सेक्टर में भेज के वहां पे रिपोर्ट दर्ज जब तक नहीं है, जब तक प्रेस वाले सर आए नहीं है वहाँ पे, आज तक वाले जब आए तभी FIR दर्ज की गई है। क्या अभी तक मामला भी दर्ज नहीं हो पाया, आपसे समझना चाहते हैं? सर अभी ये मामला दर्ज हो चुका है, FIR हो चुकी है जी। बट सर जब तक प्रेस वाले ना आते सर तब तक ये होता ना सर दर्ज, जैसे प्रेस वाले आए हैं सर तब सारों ने दर्ज किया दबाव में आते सर जी। मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अपनी गिरफ्तारी के डर से जो तीन सीनियर छात्र हैं ये इधर से उधर हो गए, इनका कुछ अभी अता पता नहीं चल पा रहा है, पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सर ये सारे तीन छात्र जो भी है ये भाग गए हैं सर जी। और सर ये यूनिवर्सिटी वालों ने भगाए हैं सर, यूनिवर्सिटी वालों ने बता दिया है कि अब इनपे FIR होगी है, पुलिस और पेरेंट्स वगैरह आए थे, रिलेटिव आए थे कि पुलिस एक्शन हो गया इनको भगा दीजिए, इनको भगा दिया गया है। और सर कॉलेज में इन्होंने 6-7 टीचर के सामने कॉलेज की प्रॉपर्टी को भी तोड़ के अपने ऊपर इंजर्ड किया है ताकि मेरे ऊपर एक दोष आ जाए कि मैंने इनको इंजर्ड किए इनको सर मैंने जी।
आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस हम लौटेंगे। फिलहाल संस्थान से जुड़े जो तमाम अध्यापक हैं जो यहाँ संस्थान में बच्चों को शिक्षित करते हैं, उन्होंने इस मसले पर फिलहाल कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। जी हाँ, जब जवाबदेही की बात आती है तो यहाँ पर कोई भी जो लोग हैं वो अपना जवाब नहीं दे पाते हैं, उनका फ़ोन नहीं लग पाता, फ़ोन लगता है तो वो किसी भी तरह के मसले पर जो है बोलने से साफ मना कर देते हैं। फिलहाल आपको बता रहे हैं किस तरह से जो है मामला ये सामने आया है। सुमित बंसल और राजीव रंजन दो अध्यापक हैं जिनसे हमने पुरजोर संपर्क करने की कोशिश की, इस मसले पर पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं बात करेंगे, कुछ भी बोलने को वो फिलहाल तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही संस्थान से जुड़े तमाम लोग भी लगातार सहयोग कर रहे हैं इस मामले को पूरी तरह से दबा देने में, लेकिन फिलहाल अभी तक बता दें इस कड़ी में मामला दर्ज हो चुका है 3 सीनियर छात्रों को लेकर, और ऐसे में ढूंढ निकालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। पीड़ित छात्र हमारे साथ लगातार लाइन पर बने हुए हैं, आपसे समझना चाहेंगे और क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, कितना टाइम और लगेगा अभी? सर इन्होंने कुछ नहीं बताया है इसके बारे में कि कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे और मतलब कोई ऐसा ना ही पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन लेटर अभी तक ईमेल हुआ है कि जैसे ईमेल मांगा है कि हमको इन्वेस्टिगेशन लेटर की प्रूफ कॉपी दे दी जाए ताकि हमको पता चले, प्रेस में दे सके कि हम इन्वेस्टिगेट करे हैं इन्होंने, अभी तक कोई उस पर रिस्पॉन्स भी नहीं मिला है सर। आरा शैली हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। आरा शैली, वाकई छात्र के साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी हुई है, ऐसे में क्या लगता है आपको किस तरह के कदम अब उठाए जाएंगे, क्या वाकई लगता है कि गिरफ्तारी हो पाएगी, गिरफ्तारी के बाद कोई सख्त कार्रवाई हो पाएगी इन छात्रों पर? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो छात्र के साथ घटना घटी है ये शायद ही अपने जीवन में कभी इसको भुला पाए, और ये रैगिंग को इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था कि छात्रों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि ये शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और इस शिक्षा के दौरान जो सीनियर छात्र होते हैं वो अपने जूनियर छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, और यहाँ तक आज एक छात्र के मुंह से सुनने के बाद और भी गलानी आती है कि उनके साथ राडों से मारा गया, 500-500 जूतियां मारी गई उसको, और उसके साथ प्रत्येक यौन शोषण करने का प्रयास किया गया। ये हमारे जो भी शिक्षा के लिए एक बेहद ऐसे में आरा शैली, जिस शिक्षण संस्थान में इस तरह की हरकत हुई है क्या उसकी जवाबदेही कोई नहीं बनती है कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ले और कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात करे, यहाँ तो कोई बोलने को भी तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो शिक्षण संस्थान की है जहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और वही अगर आज अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं तो इस मामले में कौन ऐसे संस्थानों में अपने बच्चों को भेजेगा जहाँ छात्राएं भी पढ़ने जाती हैं, और ये जो आज मीडिया का जहाँ इनको ट्रेनिंग दी जाती है तो कौन जाएगा ऐसे संस्थानों में? जी वाकई आप बन रही है हमारे साथ, पीड़ित के पिता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वाकई अफसोस होता है इस तरह की चीजें देखकर, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आखिर इस तरह के शिक्षण संस्थानों में किस तरह की शिक्षा, किस तरह की नसीहत अध्यापकों की तरफ से दी जाती है, कोर्ट का सख्त आदेश है रैगिंग को लेकर फिर भी यहाँ पर रैगिंग हुई, आपसे ही समझना चाहेंगे क्या आप सोच रखते हैं इस पर? जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, मेरा सवाल आपसे ही है, दोबारा रिपीट करना जी, इस तरह के शिक्षण संस्थानों में आखिरकार किस तरह शिक्षा दी जाती है, सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद भी रैगिंग पर प्रतिबंध है लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर रैगिंग जैसी घिनौनी चीजें हो रही हैं, आखिरकार कैसे भेजेंगे कोई भी माँ बाप अपने छात्र छात्राओं को ऐसे शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए? कोई भी नहीं भेज रहा सर जी, बिल्कुल भी भेज रहा, यहाँ पर कोई अब तक कोई कॉलेज की तरफ से हमारे को कोई फोन या रात को हमारे पास बच्चे को 2 बजे ड्राइवरों के साथ भेज दिया हमारे पास और उनको फरार कर दिया मुलजिमों को, जबकि उनके पास मोबाइल भी थे उनके, उन्होंने गमले भी तोड़े स्कूल में जाकर के, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इंस्टीट्यूट वालों में। जी संस्थान में जाकर क्या कुछ मालूम हुआ आपको, वहां पर आपने पता करा इस मामले को जो है उजागर करने की कोशिश की, वहां पर क्या कुछ कहना रहा अधिकारियों का? 15 आदमी गए हमारी, कोई वहां पर सुनाई नहीं हुई, हमने फोन किया था मालक से भी मनवाओ, अब तक भी मालक का कोई हमारे पास फोन तक भी नहीं आया जी, कोई उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की वहां पर जी। जी
अब किस तरह का कदम उठाने की आप सोच रख रहे हैं, आप अगला कदम, अगला रुख आपका क्या होगा फिलहाल इस पर, अगर कोई कार्रवाई जल्द से जल्द इस मामले पर नहीं की जाती है तो? हम कॉलेज की तरफ, वो यूनिवर्सिटी की तरफ भी एक्शन लेंगे जी, उन बच्चों की तरफ भी लेंगे जी, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहते हैं जी। बाकी देखो वहाँ पर हमारे को बच्चा हमारा इतना खौफ में है कि वहाँ पर तारीख में भी जाने से डरता है, या करनाल में भी घर से बाहर निकलने से भी डर रहा है। बिल्कुल, आप बन रही है हमारे साथ, आरआर शैली भी लगातार जुड़े हैं। आरआर शैली, क्या लगता है आपको फिलहाल अभी तक जो मामला सामने आया, जो जानकारी अब तक मिल पाई है, उसके मुताबिक आगे क्या कुछ रुख हो सकता है अब इस मामले को देखते हुए, किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आप? और अगर किसी भी YouTube वगैरह के ऊपर इस तरह का MMS लोड होता है तो उसका IP कोड भी आ जाता है, तो पुलिस चाहे तो इसको 10 मिनट में क्या 10 सेकंड के अंदर इसको ढूंढ निकाल सकती है कि किस IP एड्रेस से ये MMS अपलोड किया गया है। और उसका बकायदा उसको हिरासत भी लिया जाना चाहिए, उस लैपटॉप को या जिस भी कंप्यूटर से उसको अपलोड किया गया उसको सीज किया जाना चाहिए। और इस तरह अगर ये किसी की इज्जत को उछालने के लिए कोई भी आदमी इस तरह का कदम उठाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वाकई तकनीक के मामले में हम कहीं ज्यादा आगे, लेकिन तकनीक के मामले में जब कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने की बात आती है तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं लोग, सोचते हैं फिर इतने में काफी समय बर्बाद होता है, ऐसे में देरी इसी वजह से होती है कि कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते जल्दी। अगर आज किसी विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ कोई एक SMS भी आता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। SMS अपलोड कर दिया गया और अभी तक IT टेक्नोलॉजी जिस पर हम आज भी दम भरते हैं वो एक कदम उठाने को तैयार नहीं है जी। वाकई शुक्रिया आपका आरआर शैली, आप हमारे साथ जुड़े, पीड़ित छात्र का भी धन्यवाद, पीड़ित छात्र के पिता का भी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो वाकई IT टेक्नोलॉजी में इतना दम है, इतनी ताकत है, इतने आविष्कार किए, इतने उपकरण हैं IT टेक्नोलॉजी के पास, लेकिन फिर भी IT टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर इस तरह के चीज़ों को पता लगाने में, उसकी तह तक जाने में। वाकई अफसोस होता है कि आखिरकार जिस तरह की घटनाएं घिनौनी है सामने आती हैं उसकी तह तक जाने में इतना समय बर्बाद होता है, इतनी चीज़ें सामने आती हैं, वाकई दुख होता है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर पूरी अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता TV के साथ, क्योंकि जनता TV है आपकी ताकत। नमस्कार।